नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मिलेगा आपके सामने अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय पी पचौरी। अगर आप सेमेस्टर के किसी एग्जाम दे रहे हैं या फिर एकेडमिक आप बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर किसी और सब्जेक्ट में जहाँ कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये बुक बड़ी कारगर साबित होती है, बड़ी खास बुक है। मैंने भी अपने टाइम में ये बुक पढ़ी थी। तो आज इस बुक का हम रिव्यू करेंगे क्या खास है इस बुक में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइस टैग से। तो मार्केट में आपको 270 MRP है, लेकिन अब थोड़े से प्राइस इसके हाइक हो चुके हैं, तो लगभग आपको ये 450 रुपये तक देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको लगभग 520 तक पेज देखने को मिलते हैं, 520 पेज आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की। कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले सिलेबस है। यहाँ पर आपको यूनिट वन में आपको फोर्स सिस्टम्स एंड एनालिसिस, फ्रिक्शन, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स, ट्रसेस, सेंट्रोइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टोर्जन, ये इसके अंदर कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, बीटेक एग्जामिनेशन पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके पैटर्न की, क्या पैटर्न यूज किया गया है इसके बुक के अंदर चैप्टर का। तो सबसे पहले लेक्चर प्लान, जैसे पहला चैप्टर है उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, चैप्टर टू में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ये सारी थ्योरी, बीच बीच में फ्लो चार्ट का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है, को प्लानर फोर्सेज, कोलिनियर फोर्सेज कौन से होते हैं, ये सब आपको हेडिंग वाइज समझाया गया है एक एक लाइन में। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी थ्योरी छाप दी है। बीच बीच नोट आपको देखने को मिलेंगे, यही चीज़ इस बुक को यूनिक बनाते हैं एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। ये नोट दिया गया है बीच बीच में, ट्रांसफर ऑफ फोर्स ऑफ पैरेलल पोजिशन। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हर तरीके के आपको डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, डायग्राम के हिसाब से समझाया गया है। इसके बाद लामी थ्योरम, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, सारे हेडिंग्स खत्म होती है, तो उसके बाद यहाँ पर 16 एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और ये बताया गया है ये किस सन में आपके UPTO, जिसको AKTO बोलते हैं, उसमें ये पूछे गए थे लास्ट टाइम। हर तरह के न्यूमेरिकल इसमें कवर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग मतलब कि इजी लेवल के सारे क्वेश्चन है या डिफिकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चन है, ये मिक्सचर है ताकि आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो सके हर टाइप के लेवल के क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए। ट्यूटोरियल शीट यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। मतलब यहाँ तक तो सोल्ड एग्जांपल्स थे जहाँ तक आप सीखेंगे, और उसके बाद आपके सीखने के बाद आपका मूल्यांकन होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसका हिंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिंट के साथ यहाँ पर आप आंसर मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। ट्यूटोरियल शीट के बाद आपको आप देख सकते हैं टाइप के क्वेश्चन है। होम असाइनमेंट आपको देखने को मिलता है। ये होम असाइनमेंट एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों है यहाँ पे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके आंसर आपको साथ में मिलेंगे, ताकि आप आंसर अवश्य चेक कर सके कि जो हमने सॉल्यूशन किया है वो कितना सही है। तो चैप्टर वन था यही पैटर्न, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, सारे चैप्टर में यूज़ किया गया है। फ्रिक्शन चैप्टर थ्योरी सारी यूज हुई है यहाँ पर, और डेरिवेशंस भी भरपूर मात्रा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। मुझे डेरिवेशन बड़े सिंपल लगते हैं इसके। और कोई बुक उठा के देखते हो आप, उसमें जो डेरिवेशन है थोड़े से डिफिकल्ट बना देते हैं। कॉन्सेप्ट को यहाँ इजी से समझाया गया है, बड़ा शानदार है, वास्तव में शानदार है। जब चैप्टर फिनिश होता है तो फिर यहाँ पे सेम पैटर्न शुरू होता है, सोल्ड एग्जाम्पल्स, हर टाइप के एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है एक टाइप का एग्जाम्पल एक ही दिया गया है, ऐसा नहीं एक टाइप के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ताकि एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दोबारा वो क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, ट्यूटोरियल शीट में, जहाँ पर एक्सरसाइज में जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चंस, उनके हिंट, कहीं कहीं पे हिंट दिए गए हैं, और कहीं कहीं पे उनके सब में उनके आंसर दिए गए, ताकि आप आंसर को मैच कर सके। लास्ट में आपको होम असाइनमेंट मिलता है। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया, यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है। और अब बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो 5 में से 5 रेटिंग की यह हकदार पुस्तक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।